नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। देखिए यूजीसी नेट जून 2023 के एग्जाम को लेके दो बड़ी अपडेट हैं, दोनों आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो पूरी जरूर देखना जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या हुआ था कि जो सर्वर प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण आपकी जो डेट है, मतलब क्या है कि जो डेट एक्सटेंड की जो मतलब स्टूडेंट है वो मांग कर रहे हैं, सर्वर प्रॉब्लम के कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। ठीक है, अब आपका जो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कब से आपका डेट एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है, कब से होगी? देखो, डेट तो एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी। और क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड भी हो सकता है? क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 10-20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये भी मांग कर रहे हैं कि भी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होना चाहिए, सही टाइम नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये तो आपका जो किसी ने मतलब ये करेक्शन विंडो आपकी 3 जून तक ओपन रहेगी। ठीक है, 3 जून तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, उसके बाद आपकी डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी। ठीक है, 3 से देखो फिर क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 जून मतलब ये आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी इसमें, और फिर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में किया जाएगा, सेकंड वीक में आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, मतलब सिटी आपको बताई जाएगी पहले वीक में। तो क्या सही समय पे एग्ज़ाम हो पाएगा? अगर ये होता है कि भाई 3 जून तक मतलब ये है कि करेक्शन विंडो रहेगी, उसके बाद अगर आपकी मतलब ये है कि डेट एक्सटेंड हो जाती है, एप्लीकेशन विंडो यहाँ पे ओपन होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो वंचित रह गए, तो उनके लिए क्या है, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा? उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो दूसरी अपडेट है आपके लिए वो बताना चाहता हूँ, पहले वो देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक यूजीसी नेट की लेके आया हूँ। मतलब आपके 13 दिन बचे हुए हैं और ये बुक आपके लिए बूस्टर बुक साबित होने वाली है, जिसमें आपको 2015 से लेके 2023 तक के जनरल एप्टीट्यूड के सोलवर्ड पेपर मिलने वाले हैं। 13 सोलवर्ड पेपर आपको ईयर वाइज मिलेंगे इसमें। ठीक है, ओसवाल बुक्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मतलब आप देखो यूजीसी नेट की तैयारी करें, मात्र मतलब थोड़े से प्राइस में ये आपको बुक मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तो मतलब ये है कि भी आपको इसमें माइंड मैप मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो भी लेंथी आपकी प्रॉब्लम है वो भी स्मार्ट शॉर्टकट तरीके से आपको इसमें बताई गई है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें बहुत से आपको देखो फायदा, जो बूस्टर बुक आपका मतलब 13 दिन में जो आप तैयारी इससे अगर ये लेते हो आप, 13 दिन में आपको बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा होगा। ठीक है, सैंपल पेपर भी है इसमें, जो मतलब 2015 से 2023 तक का आपका सब कुछ इसमें जो सॉलिड पेपर है वो मिल जाएंगे, और पूरे तरीके से इसमें बताए गए, मतलब एक्सप्लेन कर करके एक एक चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। दूसरा, इसमें कट ऑफ वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो 2021-22 में जो कट ऑफ रही थी वो भी आपको इसमें बताई गई है, क्योंकि क्या कट ऑफ है वो रही थी। जैसे ये आपका यूजीसी नेट का पहला पेपर है, सोलोड पेपर 2023 का, और इसमें ये आपको पूरे सही तरीके से बताया गया, ये आपके आंसर की हो गई इसकी, और उसके बाद आपको ये मतलब एक्सप्लेन किया गया आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब पूरे सही तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा, इसमें आपको माइंड मैप मिलेगा। ठीक है, माइंड मैप भी आपको मैं दिखा देता हूँ, एकदम माइंड मैप आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ये बुक है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, ये आपको माइंड मैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा फायदा है वो होने वाला है। ठीक है, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये मतलब बहुत कम प्राइस पे आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका बहुत बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ शॉर्टकट तरीके से आपको यहाँ पे बता रखा है, कोडिंग डिकोडिंग जो नंबर सीरीज हो गया, मतलब सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए, मैं तो आपको ये यही कहूंगा, मैंने ये बुक है मंगवा ली है, और आपको भी ये बुक है वो जरूर लेनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज है वो कर सकते हो। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि कब तक आपके जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए, आज या फिर मतलब आज बहुत ज़्यादा चांस यही है कि आज शाम तक आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि भी आपकी डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। 99% चांस यही है कि जो डेट है वो एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम हुई थी वो इनकी गलती है, स्टूडेंट की कोई गलती उसमें नहीं है। दूसरा, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कितने चांस हैं? देखिए, यह होता है कि भी 5 तारीख तक तो आपकी फिर एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन रहेगी, उसके बाद आपको करेक्शन का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तो आपका सही समय पे ही आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ में। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की तो आप बिल्कुल ही मत सोचिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं होगा, आपका सही समय पे ही एग्ज़ाम होगा। हाँ, आपकी डेट एक्सटेंड होने के पूरे चांस यहाँ पर, और आज शाम तक आपको इस